एक जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहा करते थे। उन सभी रंगीन शेरों के पास अद्भुत जादू शक्तियाँ थी। उन रंगीन शेरों का राजा था वीरू शेर, जो बिल्कुल दूध जैसा सफेद रंग का था। वीरू शेर के पास एक जादुई मणि थी। वीरू शेर और उसके साथ रहने वाले सभी रंगीन शेर उस जादुई मणि से शक्तियाँ प्राप्त करते थे और अपने जंगल की सीमाओं की रक्षा करते थे। वहीं वीरू शेर के जंगल से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल में एक बंटी बाघ रहा करता था। बंटी बाघ बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम था। वह किसी पर कोई रहम नहीं करता था। यहाँ तक कि बंटी बाघ अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता था और उन्हें मारकर खा जाता था। एक बार बंटी बाघ अपने जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेता है, जिसके कारण उसके जंगल में सभी जानवर अचानक से खत्म हो जाते हैं। बंटी बाघ शिकार ढूंढने के लिए अपने जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसे एक भी जानवर शिकार करने को नहीं मिलता। तब यह देखकर बंटी बाघ बहुत परेशान हो जाता है। तब बंटी बाघ अपने एक जासूस चीता से मिलता है। चीता, हमारे जंगल के सभी जानवर अचानक से कहाँ चले गए? मुझे शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं मिल रहा। तब चीता कहता है, बंटी महाराज, छोटा मुँह बड़ी बात, आपने हर रोज इतने शिकार किए हैं कि अब हमारे जंगल में शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं बचा। अरे चीता, ये तुम क्या कह रहे हो? अब क्या मैं शिकार करना छोड़ दूं? नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ये आपका जंगल है, आप जितना चाहो उतना शिकार कर सकते हो। आप परेशान ना हो महाराज, मैंने आपके शिकार करने का बंदोबस्त कर दिया है। पास वाले जंगल में कुछ रंगीन शेर रहते हैं। उन रंगीन शेरों का राजा एक सफेद शेर है, जिसका नाम वीरू है। उस सफेद शेर के पास एक अद्भुत मणि है महाराज। उस मणि के अंदर अद्भुत जादू शक्तियाँ हैं महाराज। अगर वह मणि किसी तरह हमारे हाथ लग जाए तो आपको सारा जिंदगी शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बढ़िया शिकार आपको कभी नहीं मिलेगा। हम उस सफेद शेर से उसकी मणि छीन लेंगे और फिर उन सभी रंगीन शेरों का शिकार कर लेंगे और उनके जंगल पर कब्जा कर लेंगे। चीता की यह बात सुनकर बंटी बाघ की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह चीता, तुमने तो आज मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चलो, मैं आज ही अपनी सेना लेकर उन रंगीन शेरों के जंगल की ओर निकलता हूँ। ऐसा कहकर बंटी बाघ अपनी सेना लेकर रंगीन शेरों के जंगल में पहुंचता है और एक हरे रंग के शेर पर हमला करके उसका शिकार कर लेता है और अपनी गुफा पर लाकर उस हरे रंग के शेर को खा जाता है। ऐसे ही एक रात जासूस चीता सिपाही चिपके से वीरू शेर की गुफा पर पहुंचता है और वहां जाकर उसकी जादुई मणि को चुरा लेता है। सुबह जब वीरू शेर उठकर देखता है तो उसे वह जादुई मणि कहीं नहीं दिखती। यह देखकर वीरू शेर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं अगले दिन बंटी बाघ फिर से एक पीले रंग के शेर का शिकार कर लेता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन उस दिन बंटी बाघ को शिकार करते हुए एक रंगीन शेर देख लेता है। वह भागकर अपने महाराज सफेद शेर के पास पहुंचता है और सफेद शेर को सारी बात बताता है। वीरू शेर कहता है, अच्छा रंगीन शेर, उस बंटी बाघ की इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। तब वीरू शेर फौरन बंटी बाघ के पास पहुंचता है। अरे दुष्ट बाघ, कौन है तू और तू बिना इजाजत के मेरे जंगल में कैसे आ गया? और तूने मेरे मासूम साथियों को भी मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वीरू शेर बंटी बाघ पर हमला करने जाता है, लेकिन बंटी बाघ बहुत शक्तिशाली था। वह अपनी सेना के साथ वीरू शेर पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वीरू शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागकर अपने साथियों के पास पहुंचता है। महाराज महाराज, अब हम क्या करें? वह बंटी बाघ तो बहुत ही खतरनाक है, उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है, हम उनका सामना नहीं कर सकते महाराज। महाराज, मुझे लग रहा है अब हमारा अंतिम समय आ गया है, बंटी बाघ की सेना हमें नहीं छोड़ेगी। नहीं मेरे साथियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है बंटी बाघ और उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है, हम सब मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जंगल को छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। तब ऐसा कहकर सफेद शेर अपने मित्र गोल्डन शेर को याद करता है। तभी आसमान से एक पंखों वाला गोल्डन शेर जमीन पर उतरता है। वीरू मेरे दोस्त, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों याद किया? तब सफेद शेर अपने दोस्त गोल्डन शेर को सारी बात बताता है। गोल्डन शेर, हम सब एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। उस दुष्ट बंटी बाघ ने धोखे से हमारी जादुई मणि को चुरा लिया है। उसने मणि की शक्तियों से खुद को और अपनी सेना को शक्तिशाली कर लिया है और अब वह उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह दुष्ट बाघ अपनी सेना को लेकर किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता होगा। गोल्डन शेर, अब तुम्हें हम सबकी रक्षा करनी है। वीरू शेर की यह बात सुनकर गोल्डन शेर कहता है,
वीरू मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक विशाल गोल्डन लाइन हाउस बन जाता हूँ। फिर तुम अपने सभी साथियों को लेकर उस गोल्डन हाउस के अंदर चले जाना, वहाँ तुम सब सुरक्षित रहोगे। वह दुष्ट बंटी बाघ कभी भी उस गोल्डन हाउस तक नहीं पहुँच पाएगा। अब गोल्डन शेर अपना एक विशाल रूप प्रकट करता है और एक विशाल गोल्डन लाइन हाउस बन जाता है। उधर बंटी बाघ अपने सेना लेकर रंगीन शेरों को मारने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले वीरू शेर अपने सभी साथी रंगीन शेरों को लेकर उस विशाल गोल्डन हाउस के अंदर चला जाता है। बंटी बाघ अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता तब तक उस गोल्डन लाइन हाउस की सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और वीरू शेर अपने सभी साथियों के साथ उस गोल्डन हाउस के अंदर सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह सफेद शेर अपने दोस्त गोल्डन लाइन की मदद से अपने सभी साथियों को बंटी बाघ के कहर से बचा लेता है। बहुत समय पहले एक तालाब के नीचे एक गरीब शेरनी अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। शेरनी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन शेरनी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बोलती है। यह सुनकर शेरनी की बेटी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ जंगल में घूमना है। नन्ही शेरनी की यह बात सुनकर उसकी माँ शेरनी उसे बहुत डांटती है और उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है। स्कूल जाते समय नन्ही शेरनी रास्ते में रुककर कहती है, मेरी माँ मुझे हर रोज जबरदस्ती स्कूल भेज देती है, मैं एक काम करती हूँ, अपनी सारी किताबों को यहाँ जमीन में गाड़ देती हूँ, फिर माँ मुझे स्कूल जाने को नहीं कहेगी। ऐसा कहकर शेरनी की बेटी वहीं तालाब किनारे जमीन में गड्ढा करने लगती है। तभी वहां जमीन में से एक जादुई घड़ा निकलता है। शेरनी की बेटी जैसे ही उस घड़े को छूती है, उस घड़े में से एक शैतानी मैस्टिक वाला कालिया शेर बाहर आता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आज आजाद हो ही गया। उस मैस्टिक वाले कालिया शेर को देख कर शेरनी की बेटी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और तालाब के नीचे अपनी माँ शेरनी के पास आकर उसे सारी बात बताती है। शेरनी कहती है, बेटी यह तो बहुत ही बुरा हुआ, वह दुष्ट मैस्टिक वाला शेर, उसे हमारे पूर्वजों ने सालों पहले एक श्राप से उस घड़े में कैद किया था। तुमने जिस शैतानी शेर को आजाद किया है वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस जालिम कालिया शेर ने ही तुम्हारे पिता को मुझसे छीन लिया। वह दुष्ट कालिया शेर अपना बदला लेने के लिए यहाँ आता ही होगा। बेटी तुम जल्दी से यहाँ से जाकर कहीं छुप जाओ और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अपनी माँ शेरनी की यह बात सुनकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। तभी इतने में मैस्टिक वाला कालिया शेर वहाँ आ जाता है और शेरनी पर हमला करके उसे वहीं कैद कर लेता है और कहता है, अरे मूर्ख शेरनी, बता कहाँ है तेरी बेटी। कालिया शेर, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी मेरी बेटी कहाँ है। अच्छा ऐसी बात है। ऐसा कहकर कालिया शेर वहाँ अपनी एक सेना प्रकट करता है और अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों जाओ और इस शेरनी की बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आओ, जैसी आपकी आज्ञा शेर महाराज। तब कालिया शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उधर शेरनी की बेटी एक दूसरे जंगल में आ जाती है। वहाँ जंगल में शेरनी की बेटी को एक शैतानी बाघ मानव देख लेता है। वह कहता है, अरे वाह, लगता है यह किसी शेरनी की बेटी है और यह इस जंगल में खो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस शेरनी की बेटी को पकड़ लेता हूँ और इसे अपने घर ले जाकर इसे अपने सारा काम कराऊंगा और इसे अपनी सेवा करवाऊंगा। ऐसा कहकर बाघ मानव शेरनी की बेटी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी गुफा पर आ जाता है। शेरनी की बेटी बाघ मानव को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। छोड़ दो छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ए शेरनी, रोना धोना बंद कर, जा और जंगल से मेरे लिए शिकार लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेरनी की बेटी बाघ मानव की बात सुनकर उसका कहा नहीं मानती और वहीं रोने लगती है। यह देखकर बाघ मानव को उस पर बहुत गुस्सा आता है। बाघ मानव शेरनी की बेटी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कालिया शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को तलाश करते हुए बाघ मानव की गुफा तक पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी की बेटी को बाघ मानव ने एक पिंजरे में कैद कर रखा है। कालिया शेर के सैनिक कहते हैं, सुनो बाघ मानव, हम दोनों इस शेरनी की तलाश में यहाँ आए हैं, हमें यह शेरनी की बेटी चाहिए, ये हमारा शिकार है। ये शेरनी की बेटी हमारे चंगुल से भागकर यहाँ आई है। हमारे महाराज कालिया शेर का आदेश है कि इसे जल्द से जल्द ढूंढ ढूंढ कर उनके पास ले जाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे कालिया महाराज हमारे साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम इसे हमारे हवाले कर दो और इसे हमें ले जाने दो। कालिया शेर के सैनिकों की बात सुनकर बाघ मानव डर जाता है
वो शेरनी की बेटी को काले शेर के सैनिकों को सौंप देता है। वहीं जंगल में एक जादू शक्तियों वाला सफेद शेर काले शेर के सैनिकों को जाते हुए देख लेता है। काले शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को लेकर मैस्टिक वाले काले शेर के पास ले आते हैं। शेरनी की बेटी को देखकर काले शेर बहुत खुश होता है। काले शेर अपनी शक्तियों से वहां एक जादुई मशीन प्रकट करता है और अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों अब जल्दी से इस शेरनी की बेटी को इस मशीन में डाल दो और इसके टुकड़े कर दो, फिर हम इसका मांस खाकर हम सभी अमर हो जाएंगे। यह सुनकर काले शेर के सैनिक शेरनी की बेटी को मशीन में डालकर उसे काटने जाते हैं। तभी इतने में सफेद शेर वहां पहुंचता है और यह सब देख लेता है। काले शेर के सैनिकों पर हमला करके उन दोनों को वहीं मार देता है। यह देखकर काले शेर घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी सफेद शेर काले शेर पर हमला करके उसका वहीं अंत कर देता है। फिर सफेद शेर अपनी शक्तियों से काले शेर की उस जादुई मशीन को चलाकर वहीं नष्ट कर देता है और शेरनी को आजाद करा लेता है। शेरनी अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और सफेद शेर का धन्यवाद करती है।